हे गाइज यार, कैसे हो आप सभी लोग? तो गाइज यार, मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे गाइज, ट्रेड करेंगे एंड ट्राई टू पता करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमें कोई शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न दिखता है या नहीं। और ओवरऑल मैं आज की ट्रेडिंग एक शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न पर ही करूंगा, ठीक है? और गाइज चलो मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। पहला पैटर्न दिख चुका है एफएफएलसी का, ठीक है? तो गाइस हमने यहाँ पे 1 मिनट के लिए डाउन की ट्रेड लगा दी है। रिस्की है कुड भी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, बट मैक्सिमम चांस है कि ये हमारा एक आईटीएम ट्रेड बनेगा। ये ट्रेड लेने का रीजन बहुत ही सिंपल है। देखो, एफएफएलसी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, फुलफिल द लास्ट कैंडल। जो हमारा लास्ट कैंडल होता है उसको नेक्स्ट कैंडल फुलफिल कर रहा होता है। फिर ये ऊपर गया, अब इसका जो गैप बचा हुआ है कैंडल को फुलफिल करने के लिए सेलर की कैंडल आएगी और यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग देनी चाहिए। गैप भी छोड़ सकती है बट देनी चाहिए। तो गाइज इस तरह के करीबन 8 से 10 कलर पैटर्न होते हैं, और सारा का सारा कलर पैटर्न, मतलब ये जैसे रेड ग्रीन, ये पैटर्न्स हैं। यहाँ भी पैटर्न है, रेड दो ग्रीन, फिर अगली कैंडल रेड आती है, ठीक है? जैसे यहाँ ग्रीन दो रेड, तो अगली कैंडल ग्रीन आती है। तो ये सब पैटर्न है, ग्रीन रेड दो ग्रीन, फिर अगली कैंडल रेड आती है। तो ऐसे ही गाइज टोटल 8 से 10 कलर पैटर्न होते हैं, ठीक है? एंड जिनको सारा का सारा कलर पैटर्न सीखना है, सारा का सारा शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न सीखना है, आप चाहो तो मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। बिकॉज मैंने अपने कोर्स के अंदर में सारा का सारा कलर पैटर्न कवर अप किया हुआ है। जितने भी साइकोलॉजिकल पैटर्न है, जितने भी कलर पैटर्न है, एफएफएलसी के कॉन्सेप्ट है, मैंने सब कुछ क्लैरिफाई करा हुआ है अपने कोर्स में। तो जिनको भी मेरा कोर्स परचेज करना है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो एंड वहां पर जा करके आप कोर्स के रिगार्डिंग मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है? एंड वहां पे मैं आप आ करके मुझसे मेरा कोर्स परचेज करोगे तो मैं लाइफ टाइम का सपोर्ट भी करता हूँ, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, उसको देख करके हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे जब तक अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए तब तक। ओके ओके गाइस, हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, देखते हैं, कुड भी हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है? इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम कुड भी ट्राई करेंगे ट्रेड करने का। यहाँ पे गाइस अगर आप गौर करोगे ना, तो देखो यहाँ पर एक स्टैक एरिया था, मार्केट ने क्या करा, यहाँ से गिरा मार्केट, इस जोन में फंस करके रेंज कर रहा था, इस जोन का ब्रेकआउट करा है, मार्केट का टारगेट यहाँ तक का, बट यहीं पर ही सेलर की एंट्री दिखा रही है। और अगर ये एक स्ट्रॉन्ग जगह से, स्ट्रॉन्ग लेवल से सेलर आता है तो ठीक है, और अगर वीक लेवल से आएगा तो ये कुछ भी एक अच्छा लगा सा लेवल है, बट इस सेलर को सेलर बनने में बहुत दिक्कत हुई है और बाइंग प्रेशर भी बार बार इस जगह पे आ रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्राई करेंगे बाइंग की ट्रेड लगाने का, और साथ ही साथ यहाँ पे कलर पैटर्न भी हमारा बन जाता है फिर से, अगर ये विन होता है तो, ठीक है? तो गाइस हमने यहाँ पे 1 मिनट के लिए एक अप की ट्रेड लगाई है। अप का ट्रेड लगाने का रीजन बहुत ही सिंपल है। रीजन क्यों लगाया था, बिकॉज इसने क्या करा था, जिस लेवल से सेलर की एंट्री हुई है वहां पे इस कैंडल को सेलर बनने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, और ये इस वीक के लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। इस सेलर कैंडल को इसके वीक का ब्रेकआउट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। साथ ही साथ जहाँ से यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था, तो इसको इजीली ब्रेक करना चाहिए था, जिसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। और मार्केट में एक साइकोलॉजिकल पैटर्न, जिसको कलर पैटर्न भी कहते हैं, अगर बैक टू बैक ग्रीन 3 कैंडल है, फिर रेड कैंडल आती है, तो अगली कैंडल ग्रीन बनती है। प्राइस एक्शन भी कह रहा था बाई करो, कलर पैटर्न भी कह रहा है बाई करो, तो उसी सब को देख करके मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है। और देखना, मैक्सिमम चांस है कि ये आईटीएम हो जाएगा, मैक्सिमम चांस है। और अगर लॉस लगता है तो कोई बात नहीं भाई, ट्रेडिंग है, लॉसेस तो चलते, हम कवर अप करने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट ट्रेड में। यहाँ पे बैक टू बैक ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? अभी तक तो हमारे फेवर में, अब लास्ट सेकंड में खेल पलट जाए तो उसका कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? देख सकते हो गाइस, डीप आईटीएम हो चुका है एकदम श्योर शॉट, ठीक है? तो गाइस देख सकते हो, इसी तरह की आप भी ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है ना? हम ट्राई करते हैं गाइस, देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक जोन था, उसका ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट इसी जगह से उठने का ट्राई कर रहा है, हम कोई एक अच्छा पैटर्न कवर अप करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे मैं एक लास्ट ट्रेड लूंगा और कुछ भी ट्राई करूंगा मार्केट से निकल जाऊं। देखो मार्केट में यहाँ पर एक बुलिस एनगल्फिंग बनने का ट्राई हुआ है, जिस बायर ने पूरे पूरे सेलर को कवर अप करा है। अब इसकी क्लोजिंग बताएगा कि नेक्स्ट कैंडल पे क्या करना है। साथ ही साथ बुलिस एनगल्फिंग का मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, टोटली 4 लेवल होता है, मैं सब बता दूंगा। अगर यहाँ पे वो क्लैरिफाई हो जाता है कि कहाँ पर इसकी क्लोजिंग हो रही है, जहाँ से रिजेक्ट हुआ और इसके ऊपर ये क्लोज होती है, तो कुड भी नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ग्रीन जा सकती है, मैक्सिमम चांस है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड लगा रहा हूँ 1 मिनट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में, बट कैंडल ने जंप अप कर लिया है, रीजन नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है?
अब गाइस देखो, बाई का ट्रेड लेते ही कैंडल एकदम रॉकेट हो चुका है। अब गाइस कहानी समझो, देखो जब कोई सेलर की कैंडल होती है, मतलब जब कोई बुलिश एनगल्फिंग होता है, क्या होता है, जब कोई बुलिश एनगल्फिंग बनता है, किस हिसाब से, कुछ इस हिसाब से बुलिश एनगल्फिंग बनता है, ठीक है, और ये श्योर शॉर्ट है, ये टेंशन नहीं है, वेन होना ही होना है, ठीक है, होना तो चाहिए, बाद में लॉस लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुलिश एनगल्फिंग बन गया तो उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आती है, अब देखना, मैं वहां पे छोड़ूंगा नहीं, माउस को देखना, ध्यान देना, रिट्रेसमेंट कुड भी इतना छोटा हो सकता है, क्लियर, उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक अपसाइड की रैली दिखा सकता है। पर रिट्रेसमेंट क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है इतना, जिसमें यहाँ तक का की लेवल कवर अप रहेगा, और क्या कर सकता है, यहाँ के इस लेवल से मार्केट रिजेक्ट खा करके फिर यहाँ से एक अप की ट्रेड बन सकती है रिट्रेसमेंट के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है यहाँ पे, और कंडीशन क्या है कि मार्केट का जो ये रिट्रेसमेंट का कैंडल है वो इसके एकदम की लेवल, एकदम बॉटम लेवल के पास पहुंच सकता है। कैसे, तो कुछ इस हिसाब से, देखो इसका कुछ इस हिसाब से पहुंच सकता है। देखो ये हमने एक सेलर के लिए एंट्री ले ली, यहाँ पे ये यहाँ तक जा सकता है, जो कि हमारा 75-85% का लेवल होता है, जो कि यहाँ पर अप्रोक्सी आया था। उसके बाद क्या होता है ना कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है, कुछ इस हिसाब से, ठीक है, समझे। नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है कि ये बॉटम टू बॉटम क्लोजिंग देगा, क्या करेगा, बॉटम टू बॉटम क्लोजिंग देगा, कुछ इस हिसाब से सेलर कुछ यहां तक आ जाएगा, ठीक है, इस लेवल तक, ये बॉटम लेवल है, फिर यहां से मैक्सिमम चांस होते हैं कि फिर बायर की एंट्री हो जाएगी, मीन समय यहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है कि बायर घुसेगा, ठीक है। बट इन सब के बावजूद भी अगर बायर नहीं घुस रहा है और क्या कर रहा है, कोई सेलर, इसने क्या कर दिया, इसके बॉटम लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ सेलर आया, ब्रेकआउट कर दिया इसके बॉटम लेवल का, तो यहाँ भी मैक्सिमम चांस है कि बायर घुसेगा। अगर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, मतलब बुलिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न है, तो मैक्सिमम चांस है कि फिर से बायर घुसेगा, ठीक है। तो हर जगह पे आपको इस टाइप की पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी। आई होप जितने भी पॉसिबिलिटीज थी मैंने सब बता दिया है बुलिश एनगल्फिंग का, एंड आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो जिनको भी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। एंड मैंने बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज दिया है, तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। साथ ही साथ आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर आउट करो जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी ये प्रीमियम नॉलेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। एंड जिनको भी गाइस बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग का सब कुछ सीखना है, वो मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हैं। कोर्स की डिटेल टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, एंड वहां पर आकर के आप मुझसे मेरे कोर्स के लिए मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ गाइस जिन पे पैसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनको मेरे थ्रू गाइडेंस चाहिए फ्री में, तो आप अपना क्वाटेक्स का अकाउंट डिलीट कर लो, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे क्वाटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा, जा करके वहां से आप अकाउंट क्रिएट करो। एटलीस्ट आप मिनिमम कितना भी डिपॉजिट कर सकते हो, एटलीस्ट $10 to $15 डिपॉजिट करो, एंड मुझे मैसेज करो कि भाई हमने आपके क्विटेक्स अकाउंट के लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट किया है और डिपॉजिट किया है वेरीफाई करने के बाद, तो आप मुझे फ्री में गाइड कर दो, तो उनको मैं फ्री में गाइड कर दूंगा कि कैसे आप ट्रेडिंग जर्नी में आगे ग्रो कर सकते हो, ठीक है, और उनको मैं फ्री में सब कुछ गाइड कर दूंगा, ठीक है, और लाइफ टाइम का वहाँ भी सपोर्ट रहेगा, और कोर्स में भी लाइफ टाइम का सपोर्ट रहेगा, ओके। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल, ओके।